मॉर्निंग क्लास क्लास है इंग्लिश मीडियम। सब्जेक्ट है आपका कंप्यूटर। आपका चल रहा है चैप्टर नंबर 1 का रिवीजन। आप जब भी कोई वीडियो देखते हैं मोबाइल से आपको की पूरी 25 सेकंड का रोज से आपको नुकसान ना पहुंचे। और एक बात जीवन आपको साथ साथ याद भी करना है। इसमें देखिए आज हम बात करते हैं चैप्टर के एमसीक्यू की, यानी चूज द करेक्ट आंसर। पेज नंबर है आपका 13। Which of the following does not belong to a group of data? भाई चैप्टर क्या चल रहा है आपका? डाटा रिप्रेजेंटेशन, यानी आप किस प्रकार अपने डाटा को रिप्रेजेंट करते हैं। डाटा क्या होता है? जो भी काम होता है वो होता है आपका डाटा। तो क्या बिलोंग नहीं करता? None of them। इसमें से कुछ भी ग्रुप ऑफ डाटा को बिलोंग नहीं करता। द वेरिक्स ऑफ ए नंबर सिस्टम इक्वल्स टू, जो वेरिक्स होती है वो नंबर सिस्टम के बराबर होता है, यानी नंबर ऑफ डिजिट, यानी जितनी आपकी नंबर संख्या होती है उतने क्या होता है नंबर सिस्टम आपका होता है। कॉन्सेप्ट ऑफ जीरो, देखिए जीरो का कॉन्सेप्ट किसने दिया? जीरो का कॉन्सेप्ट आर्यभट्ट ने दिया, और आर्यभट्ट एक महान गणितज्ञ थे जो कि भारत के ही रहने वाले थे। यानी जो जीरो का विकास हुआ वह भारत के अंदर हुआ। आपकी बात बता दूं, जो डाटा होता है वो दो प्रकार का होता है, एक होता है न्यूमेरिक एक होता है नॉन न्यूमेरिक। न्यूमेरिक में होते हैं अर्थमेटिकल कैलकुलेशन जैसे कि प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड, और जो नॉन न्यूमेरिक होता है उसमें हम विशेष चिन्हों का प्रयोग करते हैं, स्पेशल सिंबल का जो यूज करते हैं वो होता है आपका नॉन न्यूमेरिक। प्लस माइनस, दिस नंबर सिस्टम इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन आवर लाइफ। नंबर सिस्टम क्या होता है? नंबर सिस्टम होता है यानी जब आप अपने काम को देते हैं, डाटा को देते हैं और उसमें आप कैलकुलेशन करते हैं, अंक पद्धति होती है वो नंबर सिस्टम। देखिए अलग अलग पंक्ति होती है, जैसे फोर्थ तरह की होती है ओक्टल नंबर सिस्टम, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, डेसिमल और बाइनरी। कंप्यूटर जो समझता है केवल मशीनी भाषा समझता है जो बनी होती है बाइनरी संख्याओं की। बाइनरी संख्या होती है आपकी 0 एंड 1, लेकिन जो हम अपने डेली लाइफ में यूज करते हैं वो करते हैं डेसिमल, यानी दशमलव अंक पद्धति। वाट कन्वर्ट ईच इनटू बाइनरी कोड, देखिए जैसे मैंने आपको बताया कंप्यूटर केवल मशीनी भाषा समझता है जो बनी होती है बाइनरी नंबरों की, तो वो कौन कन्वर्ट करता है? वो कन्वर्ट करता है इंटरप्रेटर और कंपाइलर। इसका काम होता है किसी भी भाषा के प्रोग्राम हो उनको चेंज करता है मशीनी भाषा में, कंपाइलर भी और इंटरप्रेटर भी, तो आ जाएगा बोथ ऑफ देम, यानी दोनों करते हैं। कैरी ओवर वन शिफ्ट टू दिस प्लेस, जब कैरी आता है तो वो कहाँ आता है? जैसे वन ने बताया था 1+1 क्या होता है 0, तो कैरी ऑन क्या है 1, तो हो जाएगा नेक्स्ट यानी अगली डिजिट के ऊपर। क्लियर? ये अगर आपको उतारना भी है याद भी करना है। थैंक यू।